दोस्तों, अगर आप लोग ब्लूस्टेक 5 का इस्तेमाल करते हो अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में फ्री फायर, बीजीएमआई या फिर दूसरी कोई गेमों को खेलने के लिए, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एमुलेटर के अंदर एक बहुत ही कमाल का फीचर आया है। और वो फीचर काम क्या करता है, वैसे आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा या फिर आप लोगों ने वही सर्च करा होगा जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि गाइज मोमेंट मोड के बारे में, तो इसमें दोस्तों एक मोमेंट मोड नाम से एक फीचर आया है। तो वो काम क्या करता है और उसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने इस वीडियो में। तो बिना स्किप कर वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैंने फ्री फायर को चालू रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो मोड हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइस देखो, ये रहा दोस्तों जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर, अरे भाई कब से मक्खी परेशान कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो गाइस मोमेंट्स मोड नाम से हमें फीचर देखने को मिलेगा। तो ये काम क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसे गाइस अभी हम लोग इनेबल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया इनेबल। और यहाँ पर आप लोग देखो, मोमेंट्स मोड इज नाउ एक्टिवेट, प्रेस कंट्रोल प्लस M टू सेव लास्ट 30 सेकेंड ऑफ योर गेम प्ले। यानी कि दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद आप लोगों ने भाई जो भी करा वो भाई कंट्रोल प्लस M दबाओगे तो भाई वो पीसी का रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गाइस अभी मैंने इसको इनेबल कर दिया है, यहाँ पर दोस्तों मैं कंट्रोल प्लस M दबाऊंगा तो भी गाइस जो मूवमेंट है 30 सेकेंड के पीसी का वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेव मूवमेंट पे क्लिक करूंगा तो भी दोस्तों पीसी का जो मूवमेंट है वो सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे गाइस इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसको हम बंद कर देते हैं। और इसको बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों इस जो ऑफर आया स्पेशल एयरड्रॉप, इसमें अभी हम लोग गए हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने दोस्तों कंट्रोल प्लस एम नहीं दबाया है, वो आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पर अभी हम लोग स्पेशल एयरड्रॉप में गए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्लूअल दिख रही है हम लोगों को, टॉप अप इवेंट उसमें भी गए। इसके अलावा दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं अपने आईडी में, तो आईडी में भी हम लोग जाके आ चुके हैं। आप लोग देखो यहाँ पर सारा कुछ देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इवेंट्स में जाते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लेम कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये भी क्लेम कर लिया। यहाँ पर भी बहुत सारा कुछ क्लेम करने के लिए आ रहा है, इसको हमें क्लेम नहीं करना है। अब दोस्तों मेरे ख्याल से 30 सेकंड तो हो गया होगा। अभी हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एम को दबाएंगे। कंट्रोल प्लस एम को दबा दिया और यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग मोमेंट दिखा रहा है हम लोगों को इधर इस साइड में। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने अभी जो करा वो भाई अभी सेव होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे और कैसे सेव होगा। तो अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और भाई ये मक्खी पता नहीं जब वीडियो बनाता हूँ तब भी आ जाती है। तो यहाँ पर गाइस देखो हम लोग माय वीडियोस पे क्लिक करेंगे। माय वीडियोस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो ये प्रोसेसिंग हो रहा है अभी भी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि आप लोग साइन इन विद now.gg पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इससे दोस्तों क्या होगा, आप लोगों का दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने सेव मोमेंट करा है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कि जब भी आप लोग इसे एक्सेस करना चाहो तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ऐसा इनका कहना। लेकिन अभी हम लोग दोस्तों नो कंटिन्यूस गेस्ट में, मतलब कि हम गेस्ट आईडी में काम चला रहे हैं। आपके सामने ऑप्शन आएगा कि गेस्ट आईडी से करना है या फिर आपको अकाउंट बनाना है, तो मैंने तो भाई गेस्ट आईडी से करा हुआ है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमारा ये जो मोमेंट है वो रिकॉर्ड हो गया है कि नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं इसमें माय वीडियो पे, और ये रहा दोस्तों हमारा मोमेंट। मैंने काफी सारे मोमेंट रिकॉर्ड करे थे जिनको मैंने डिलीट कर दिया, जो कि मेरे किसी काम के नहीं थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम लोग ओपन लोकल जो फोल्डर दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे भी दोस्तों ये सेव हुआ होगा हमारे मतलब कि पीसी के अंदर स्टोरेज में, वो हमें दिख जाएगा कहाँ पे हुआ है। तो इसमें हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो ये रहा हमारा मोमेंट, जो कि गाइस हम लोगों ने कंट्रोल प्लस एम दबाने से पहले जो प्रोसेस करा था, मतलब कि जो भी मैंने आपको दिखाया था, वो दोस्तों सारा कुछ अभी हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि दोस्तों पीसी का सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये दोस्तों आपके काम कहां पे आएगा कि अगर आप लोग कोई गेम प्ले कर रहे हो और आपके सामने दोस्तों ऐसा मोमेंट होता है और आप लोग चाहते हो कि इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो भाई वो आप लोग कंट्रोल प्लस एम दबा दो उसे इनेबल करने के बाद। फिर दोस्तों आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ना करी हो तो भी पीसी का 30 सेकंड का जो भी पार्ट है वो सेव हो जाएगा। ये दोस्तों काम करता है ये मोमेंट्स मोड। काफी कमाल का फीचर दोस्तों ब्लूस्टेक वालों ने दिया है। यहाँ पर दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट भी हमारे सामने आ जाएगा। देखो ये रहा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देखो। और यहाँ पर दोस्तों ये रहा मोमेंट जो कि हम लोगों ने कंट्रोल प्लस एम दबाने से पहले करा था, जो भी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर मैंने साउंड बंद कर दिया है। अभी आप लोग देखो ये सारा कुछ हम लोगों ने करा था भाई कंट्रोल प्लस एम दबाने से पहले, और बाद में हम लोगों ने दोस्तों कंट्रोल प्लस एम दबाया था, वो तो आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना भाई, ये तभी रिकॉर्ड नहीं होता है
पीसी का जो भी हो गया और हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करा है वो दोस्तों 30 सेकंड का ये रिकॉर्ड करके हमें देता है। तो ये दोस्तों काम करता है मोमेंट्स मोड, काफी कमाल का फीचर है दोस्तों ये। और इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है ब्लूस्टेक 5 में, ये तो आप में काफी सारे लोग जानते होंगे। तो काफी कमाल का फीचर है ये भाई, एक ही चीज में बार बार बता रहा हूँ, बोर मत होना ठीक है। वीडियो को अभी एंड करने वाले हैं तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।